बैंकॉक से खबर शामिल करते हैं, जहां पर थाईलैंड में एक 19 साल नौजवान और 56 साल खातून की मंगनी ने सबको हैरान कर दिया। चिंता राज और खातून का कहना है कि हम दोनों जल्द शादी कर लेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 19 साल नौजवान विधुषाय चिंता राज ने तकरीबन 10 साल कबल अपने मंगेतर 56 साल जानदार नामोंगर से मुलाकात की। बाद खातून ने 10 साल लड़के से घर की सफाई और कुछ पौधे घर मुंतकिल करने में मदद मांगी। इस दिन ये नौजवान ने खातून के घर आना जाना शुरू किया और ये सिलसिला जारी रहा। दोनों अपने इब्तदाई रिश्ते को दोस्ती के तौर पर बयान करते हैं, लेकिन जब चिंता राज 17 साल का हुआ तो उसके दिल में खातून के लिए प्यार भरे जज्बात पैदा हो गए। ताहम बात ऐसा दोनों ने इस दोस्ती को रिश्ते का नाम दे दिया। रवा साल के आगाज में दोनों ने अपने घर वालों को अपने रिश्ते के बारे में बताया और फिर मंगनी भी की। देखते ही देखते उनकी मोहब्बत की कहानी थाईलैंड में मशहूर हो गई। 56 साल खातून का कहना है कि चिंता राज मेरे लिए एक सुपर हीरो की तरह है, इसने हर रोज मेरी मदद की। फिर जब वो बड़ा हुआ तो हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए जज्बात पैदा हो गई। मैं हैरान थी क्योंकि मैं इसे इसके बचपन से जानती हूँ। जब हमने लोगों को बताया कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो सबने सोचा कि ये दोनों पागल हैं, जबकि मेरे बच्चे भी काफी हैरान हुए। उनका कहना था कि हम दोनों जानते हैं कि हमारे दरमियान 37 साल उम्र के फर्क को कुछ लोगों के लिए कबूल करना मुश्किल है, लेकिन हम दोनों के लिए हमारी खुशी सबसे अहम है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 56 साल खातून की पहली शादी 20 साल चली और फिर तलाक हो गई। इस शोहर से खातून के 3 बच्चे हैं जिनकी भी शादी हो चुकी है और अब वो 3 पोते पोतियों की दादी भी बन गई है।